वेलकम है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड हिट की ये जो पांच गोलियां हैं ये किस टाइम पर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए या ईमेल भी आते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सर आपने जो टाइमिंग बताई है इस पांच गोलियों को लेने की, अगर हम लोग उस टाइम पर ये गोलियां ना लें तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, या प्रेगनेंसी क्लियर होगी या नहीं होगी, या कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है। तो इसी बात को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मुझे भी पता है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी फटाफट क्लियर करनी है, ठीक है, लेकिन इस फटाफट के चक्कर में आप लोग अपना केस खराब ना कर लें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं इस किट को लेने की। कुछ केसेस में मैं देखता हूं कि लोग इन पांच गोलियों को एक साथ खा लेते हैं, कुछ लोग पहली गोली को खाने के 6-7 घंटे बाद ही इन चार गोलियों का सेवन कर लेते हैं। अब ये डेडिकेटेड वीडियो टाइमिंग पर ही है और इसकी सही टाइमिंग को पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन पांच गोलियों का काम क्या होता है। तो देखिए, जो पहली गोली है ये 200 मिलीग्राम की है और ये बची हुई चार गोलियां जो हैं ये प्रत्येक गोली 200 माइक्रोग्राम की हैं, 200 MCG की हैं, मतलब चार गोलियां 800 माइक्रोग्राम की हो जाती हैं। जो ये पहली गोली है ये प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़रूरी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसके लेवल को फॉल कराती है। मतलब कहने का है कि फीमेल बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तभी प्रेगनेंसी सर्वाइव करेगी, तभी बच्चा यूट्रस में रुकेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो पहली गोली है ये प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़रूरी हार्मोन है उसके लेवल को कम कर देती है और कुछ टाइम के बाद बच्चेदानी का जो मुंह है वो भी खुलना शुरू हो जाता है, जिसको पूरी तरह से खुलने में लगभग 36 से 48 घंटे का समय लग जाता है। फिर ये जो बची हुई चार गोलियां हैं ये बच्चेदानी के अंदर सकुड़न पैदा करती हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कोज करती हैं। कहने का भाव ये है कि मान लीजिए कि ये यूट्रस है, बच्चेदानी है, यहाँ पर बच्चा इम्प्लांट हुआ, आपने पहली गोली को खाया और आपको 36 से 48 घंटे हो गए तो बच्चेदानी का मुंह खुला, फिर आपने बची हुई चार गोलियों का सेवन किया, बच्चेदानी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस सकुड़न पैदा हुई और उससे जो प्रेगनेंसी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे या फिर जो बच्चा था वो ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल गया। प्राइवेट पार्ट से जब आपको ब्लीडिंग होगी तो जितने भी प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लीडिंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब आपके केस में क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं टाइमिंग को लेकर कि इस किट की जो पाँच गोलियाँ हैं वो कौन से टाइम पर लेना सही रहता है। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि पहली गोली को जब कोई फीमेल एडी खाती है तो लगभग 36 से 48 घंटे के बाद बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो अगर आप लोग टाइम से पहले बची हुई चार गोलियों का सेवन करते हैं तो बच्चेदानी का मुंह तो अभी खुला ही नहीं है, बच्चेदानी का मुंह अभी बंद है अगर आप लोग 36 घंटे से पहले बची हुई चार गोलियाँ ले रहे हैं। और अगर आप लोग गोलियाँ खा लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह तो अभी बंद ही है जो कि लगभग 36 से 48 घंटे बाद खुलेगा, और फिर जब आप लोग गोलियां खाएंगे तभी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मोटी मोटी बात तो यहां पर आपको पता लग गई है कि आपको बची हुई चार गोलियां 36 से 48 घंटे के बाद लेनी है। लेकिन ये बात तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो सच में यकीन कहां से होगा। तो देखिए, इस किट के साथ लीफलेट पेपर आता है, मतलब पर्ची आती है। अगर आप लोग उस लीफलेट पेपर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंपनी बताती है कि पहली गोली के बाद आपको जो बची हुई चार गोलियाँ हैं वो 1 से 3 दिन के बीच में लेनी होती है। अब ये जो टाइमिंग है 1 से 3 दिन की, ये
मेथड के अकॉर्डिंग है, मतलब कि कंपनी बोलती है कि आपको ये जो बची हुई 4 गोलियां हैं ये एक साथ प्राइवेट पार्ट के अंदर लेनी है, रखनी है। अगर आप लोग एक साथ 4 गोलियां प्राइवेट पार्ट के अंदर रख रहे हैं तभी आपको बची हुई 4 गोलियां 24 घंटे के बाद लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बची हुई 4 गोलियां जीभ के नीचे या गालों के बीच रखकर ले रहे हैं तो आपको बची हुई 4 गोलियां 48 घंटे पर लेनी है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक कंपनी की किट दिखा रहा हूं, आप लोग गूगल पर सर्च करके भी इस किट को देख सकती हैं। किट का नाम है खुशी एमटी किट। इस किट पर देखिए कंपनी ने जो पहली गोली है वो डे 1 पे बताई है और बची हुई जो 4 गोलियां हैं ये डे 3 पर बताई हैं, और डे 3 आपका कम से कम 36 घंटे पर होता है और मैक्सिमम 48 घंटे पर होता है। तो यहाँ पर बात प्रूफ हो चुकी है कि जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है वो एकदम एक्यूरेट बताई है। लेकिन स्टिल अगर आपको यूट्यूब वीडियो पर भरोसा नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग अपने नियरेस्ट किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे तो वो आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे, उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो एट ए टाइम आपको वो मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग घर पर बैठे रहोगे, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर आप लोग यहाँ वहाँ से ब्लैक में किट को परचेज करके और गलत तरीके से इन किट का सेवन करेंगे तो आपको ब्लीडिंग रिलेटेड इश्यूज ही रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी और फाइनली फिर आपको सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को क्लियर करवाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।